आज की क्लास हम शुरू करना चाहेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब है सीधा सीधा कि भविष्य में काम चल रहा होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस किसको दिखाता है बच्चों? भविष्य में काम चल रहा होगा, यानी हमें हिंदी में दिखाई देगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। कुछ ऐसी सी फीलिंग आएगी जैसे कि हम अगली 10-15 क्लास में ट्रांसलेशन बैच को कंप्लीट कर रहे होंगे। समझ में आई मेरी बात? कल मैं खाना खा रही होंगी, परसों मैं आपसे मुलाकात कर रही होंगी। अगर आप मुझे वीडियोस भेजोगे तो मुलाकात होगी वीडियोस की मदद से। तो इनसे कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके इंग्लिश में फ्यूचर को दिखाने के लिए विल और शैल का यूज होता है। विल और शैल के साथ हम बी का इस्तेमाल करते हैं। बी के साथ हम फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी यूज करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर तैयार होगा विल शैल बी आईएनजी। इसके आगे हम सब्जेक्ट लगा देंगे और इसके पीछे हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। बचे कुछ वर्ड्स को अरेंज करके लास्ट में फुल स्टॉप। फ्यूचर शब्द जहां भी आएगा विल शैल से दिखाएंगे, कॉन्टिन्यूअस जहां भी आएगा आईएनजी से दिखाएंगे। अब क्योंकि विल और शैल मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, ये मोडाल नहीं होती, मोडल भी नहीं होती, ये मॉडल ऑक्सिलरीज होती है और मॉडल ऑक्सिलरीज अपने साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म को यूज करती हैं, इसलिए यहां बीच में बी बैठा होता है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर तैयार हो गया विल शैल बी आईएनजी। अब विल और शैल का फर्क क्या होता है? हालांकि सिंपल फ्यूचर में सिखा दिया था, फिर भी रिपीट कर रही हूं। आई और वी के साथ लगाना है शैल और बाकी सबके साथ लगाना है विल। जहां भी आई और वी को इस्तेमाल करो शैल लगाते चलना, जहां पर इसके अलावा कुछ भी आ जाए विल लगाते चलना। आओ अब इसमें कितने तरह के स्ट्रक्चरल सेंटेंस बन सकते हैं? 4 तरह के, जैसे कि हर टेंस में बन रहे थे। ध्यान है ना आपको? कितनी तरह के बनेंगे बेटा? 4 तरह के। सबसे पहले को हम कहते हैं अफर्मेटिव, इसमें आर साइलेंट होता है बेटा। दूसरा आता है बेटा नेगेटिव स्ट्रक्चर। तीसरे आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर्स। और चौथा आता है इंटरोगेटिव मिक्स्ड विद नेगेटिव। हालांकि इंटरोगेटिव में फिर 2 बाइफर्गेशंस बनती हैं। एक टाइप के क्वेश्चन WH फैमिली से बनेंगे और दूसरे टाइप के क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे। अब अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें किसी बात को कहा या बताया जाता है। जैसे मैं कल खाना खा रही होंगी, मैं कल खाना खा रही होंगी। अब नेगेटिव में क्या होगा? इसी में बस नॉट ऐड कर देंगे। मैं कल खाना नहीं खा रही होंगी, मैं कल खाना नहीं खा रही होंगी। समझे बेटा? अगर वो इंटरोगेटिव पूछेगा तो इसी को फिर से थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल के क्या कहेगा? क्या मैं कल खाना खा रही होंगी? क्या मैं कल खाना खा रही होंगी? क्वेश्चन मार्क। अब जब इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा? क्या मैं कल खाना नहीं खा रही होंगी? नहीं खा रही होंगी।
समझे बेटा हम बात को? इस तरीके से आपका जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है चार स्ट्रक्चर्स में आपको मिलेगा। हिंदी में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, ऐसा कुछ भी आएगा तो समझ जाना फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और विल शुड बी के साथ आईएनजी लगाना है। देखो अब अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिख देती हूँ इसी के नीचे, क्या स्ट्रक्चर बनेगा अफर्मेटिव में अगर इंग्लिश बनानी है तो हम लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे विल और शैल सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर बी, बी पे आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स अगर कुछ बच गए हैं सेंटेंस में और फुल स्टॉप। अगर वो नेगेटिव है तो स्ट्रक्चर क्या होगा मैम? तो स्ट्रक्चर होगा बेटा सब्जेक्ट के साथ विल और शैल, विल और शैल के बिल्कुल साथ नॉट, के साथ बी, नॉट बी के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बचे कुछ वर्ड्स और फुल स्टॉप।